22 जनवरी को होने वाले रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इन दिनों पूरे भारत वर्ष में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए कांकेर से अंतागढ़ के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग और नरहरपुर से 700 पोस्टमार्टम कर रिकॉर्ड कायम करने वाली श्रीमती संतोषी दुर्गा को भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें भी उनके दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र आया है, जिसको लेकर इनमें काफी खुशी नजर आ रही है। आज कांकेर के बड़े शीतला मंदिर से इन दोनों को कांकेर से अयोध्या के लिए रवाना किया गया है, जिसमें पूरे कांकेर वासी भी काफी उत्साहित हैं। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है हम सबके लिए और खासकर मेरे लिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में आए थे दंडकारण्य बस्तर में, उस समय हमारे पूर्वजों से उनका कोई ना कोई रिश्ता नाता रहा होगा। हमारे पूर्वजों का ही पुण्य प्रताप है जिसके चलते हम सबको आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उद्घाटन, और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया कि उनके चरणों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसीलिए उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने कांकेर जिले के लिए मैं प्रभु रामचंद्र से उनके लिए दुआ मांगना चाहूँगी, अपने नरहरपुर के लिए मांगना चाहूँगी, अपने छत्तीसगढ़ के लिए मांगना चाहती हूँ। यही श्री रामचंद्र से सब लोग को सुख शांति सौभाग्य सब प्राप्ति हो, यही मैं चाहती हूँ। ये दंडकारण्य भूमि है और आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, जहाँ दंडकारण्य क्षेत्र से जहाँ प्रभु श्री राम 10 वर्ष तक हर क्षेत्र में यहाँ भ्रमण किए थे, उन्हीं यादों को हम लोग बनाए हुए उनके दरबार में, उनके जन्म स्थली में इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और पूरे बस्तरवासी के लिए हम लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ से इतने 9 अपने हैं, सबको वहाँ से विशेष रूप से निमंत्रण मिला हुआ है। इतिहास में हम लोग इस समय पर उपस्थित थे। अभी आप सोचेंगे कोई मंदिर जैसे जगन्नाथ मंदिर बना होगा या बड़े बड़े मंदिर बने होंगे, एक बार सोच के देखिए कि उस समय बनते समय कौन लोग साक्षी थे, किसने बनाया और किन लोगों ने उन पर योगदान था। तो ऐसे हम लोग इस समय अगर सोचेंगे कि इस समय राम जी का जो मंदिर बन रहा है और इस समय जितने लोग उसमें सहभागिता निभा रहे हैं और जो लोग इस समय इस धरती पर हैं और उसमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग शामिल हो रहे हैं, तो कितने सौभाग्य का विषय, कितना एक ऐतिहासिक क्षण है। इसीलिए हम सब लोग धन्य हैं और आप सब निहाल भी हैं और इस निहाल में जो दंडकारण्य है वहाँ 10 वर्ष रहे भी हैं। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सुख समृद्धि की कामना करते हुए आपसे आशीर्वाद।